बच्चों, मान लीजिए एक आवेश रखा गया है यहाँ पर। इस आवेश के पास यदि हम दूसरा आवेश लेकर आते हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। यदि ये दोनों आवेश एक जैसे हुए, दोनों धन या धन हुए या ऋण और ऋण हुए, तो यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण। लेकिन एक आवेश यदि धन हुआ और दूसरा ऋण हुआ तो यहाँ पर होगा आकर्षण। जैसे जैसे इस आवेश को पास आते जाएंगे तो यहाँ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है, और जैसे ही जैसे हम इसको दूर ले जाते जाते हैं तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान कम होने लगता है, और जब इसको बहुत दूर ले जाया जाए तो इस आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान खत्म ही हो जाता है। इसका मतलब एक आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कुछ ही दूरी तक ही रहता है, और इस क्षेत्र तक जहाँ पर इस आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दूसरे आवेश के द्वारा अनुभव किया जा सके, उस क्षेत्र को हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही इस आवेश के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। इस क्षेत्र के बाहर आवेश का प्रभाव खत्म हो जाता है। वो आवेश जिसको हम इस पहले वाले आवेश के पास ला रहे थे, वो टेस्ट करने के लिए लाया जा रहा था, इसलिए उस आवेश को हम परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। और ये परीक्षण आवेश का मान सदैव एक होना चाहिए, और इस आवेश को हम हमेशा धनात्मक ही लेते हैं ताकि हमको आगे किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी ना हो। मान एक रहेगा, गुणा भाग करेंगे तो वैल्यू में चेंज नहीं होगा। धनात्मक आवेश रहेगा तो धन चिन्ह के साथ हम लोग आसानी से गणितीय कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए परीक्षण आवेश का मान हमेशा इकाई होता है और वो धनात्मक आवेश ही लिया जाता है। तो इस प्रकार इस विद्युत क्षेत्र में उस परीक्षण आवेश में कितना बल लग रहा था, वो बल ही इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जब हम इस आवेश को पास लाते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है, जब दूर ले जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगती है, और बहुत दूर ले जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाते हैं ई से, और इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू, जहाँ पर ये क्यू परीक्षण आवेश है जिसको टेस्ट करने के लिए लाया जा रहा था, और एफ ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा जो इन दोनों आवेशों के बीच लग रहा होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब। इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। बच्चों, बल एक सदिश राशि है, आकर्षण हो रहा है मतलब अंदर की तरफ होगा बल, प्रतिकर्षण होगा मतलब बल की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार हम देखें कि किसी आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र में उस परीक्षण आवेश को लाने में कार्य करना पड़ता है, ये कार्य इस आवेश के द्वारा अपने आप हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है, और परीक्षण के लिए तो हम सदैव ही धनात्मक आवेश ही लाते हैं। अब इस धनात्मक आवेश के सामने परीक्षण धनात्मक आवेश लाया जा रहा है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और इसके विद्युत क्षेत्र में जैसे ही ये प्रवेश करेगा यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वह आवेश इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा बल्कि इसे दूर भागना चाहेगा। अब उसको इस आवेश के पास लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और यह किया गया कार्य ही इस आवेश का विभव कहलाता है। ये जो धन आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है उसमें इस परीक्षण धन आवेश को लाने में कार्य किया जाता है, क्योंकि दोनों ही आवेशों की प्रकृति यहाँ पर समान है, तो ये प्रतिकर्षण महसूस करेंगे तो इसे इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कार्य किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, इसका भी अपना विद्युत क्षेत्र होगा। अब उस परीक्षण
आवेश को जैसे ही इसके विद्युत क्षेत्र के पास लाया जाएगा, इस आवेश का प्रभाव उस परीक्षण आवेश पर पड़ेगा और ये परीक्षण आवेश आकर्षण बल महसूस करेगा और ये अपने आप ही इस आवेश की ओर चलाएगा। तो यहाँ पर कार्य इस आवेश के द्वारा किया जा रहा है, या यूं कहे कार्य अपने आप ही हो जा रहा है। दोनों ही कंडीशन में कार्य हो रहा है, चाहे हम कार्य करवा रहे हैं आवेश पर या आवेश अपने आप ही कार्य कर रहा है। तो परीक्षण आवेश पर यह किया गया कार्य ही इस आवेश का विभव कहलाता है। तो इस प्रकार हम विभव की एक और परिभाषा देखते हैं। अभी तक हमने विभव को जल स्तर से रिलेट करके समझा था, अब हम विभव की एक नई परिभाषा देखते हैं। किसी भी आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है और उस आवेश के द्वारा एक परीक्षण आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है वही कहलाता है आवेश का विभव। या यूं कहें कि एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अब विभव दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विभव और दूसरा ऋणात्मक विभव। धनात्मक विभव को हम उच्च विभव कहते हैं और ऋणात्मक विभव को हम निम्न विभव कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्द में कहें, जो धन आवेश का विभव होगा, यानी कि धन आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम धनात्मक विभव कहेंगे, जबकि ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी भी एकांक धन आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वो ऋणात्मक विभव होगा। यानी कि धन आवेश का धनात्मक विभव और ऋण आवेश का ऋणात्मक विभव होगा। अब धनात्मक विभव को हम उच्च विभव क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा, यदि धन आवेश रहता है और उसके विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को लाया जाता है तो वहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगता है और वहाँ पे कार्य करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर विभव का मान अधिक हो जाता है, तो हम इसे उच्च विभव कहते हैं। जबकि ऋणात्मक विभव को हम निम्न विभव कहते हैं, क्योंकि यदि ऋण आवेश रखा होगा तो इसके विद्युत क्षेत्र में जब कोई परीक्षण धन आवेश को लाया जाएगा तो यहाँ पे कार्य अपने आप ही हो जाएगा, तो यहाँ का विभव हम निम्न विभव के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार यदि हम विभव की परिभाषा देखें तो एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य किया जाता है वो उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश। और इसका मात्रक देखें तो कार्य का मात्रक है जूल, आवेश का मात्रक है कूलाम, तो विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। चूंकि वैज्ञानिक वोल्टा ने विभव पर काम किया था इसलिए विभव के मात्रक को उनके नाम के आधार पर वोल्ट में नापा जाता है, तो हम यूं कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम बराबर होता है वोल्ट। या यूं कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में यदि एक जूल कार्य होता है यह किया जाता है तो उस बिंदु का विभव एक वोल्ट कहलाता है। अब मान लीजिए यह आवेश इस विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है, एक बिंदु के विभव का मान अलग होगा, दूसरे बिंदु के विभव का मान अलग होगा, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में भी कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर किया जाएगा और ये कहलाता है विभव अंतर। यानी कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव अंतर कहलाता है। या यूं कहें कि विभव अंतर दो बिंदुओं के विभव का अंतर है, क्योंकि इस विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं में विभव का मान भी अलग अलग होगा, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर ही विभव अंतर कहलाता है। तो विभव अंतर को हम दर्शाते हैं वी ए माइनस वी बी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, और इसका मात्रक भी होता है वोल्ट। यदि हम बैटरी की बात करते हैं, इसमें धन और ऋण सिरा होता है। यदि हम धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं
तो यहाँ विभव का मान कम होने लगता है और विभव के मान में इस कमी को हम कहते हैं विभव पतन, और विभव के इस पतन को हम नापते हैं वोल्ट प्रति मीटर। आपने देखा होगा यदि हम छोटे बल्ब को जलाते हैं तो उसके लिए एक ऐसे सेल का इस्तेमाल करते हैं जिसका वोल्ट कम हो। यदि बड़े बल्ब को हमको जलाना है तो हम ऐसे सेल का इस्तेमाल करते हैं जिसका वोल्ट अधिक हो, या फिर सेल के स्थान पर हम दो सेलों को जोड़ लेते हैं और बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? छोटे बल्ब के लिए सेल और बड़े बल्ब के लिए बैटरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो चलो इसको हम एक एक्टिविटी द्वारा समझने की कोशिश करें। बच्चों, आपको इस टेबल पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, आपके सामने एक मुड़ी हुई तार है। ये मुड़ी हुई तार नाइक्रोम मिश्र धातु की बनी हुई है और इस प्रयोग में हमारे लिए ये प्रतिरोध का कार्य करने वाली है। आप देख रहे हैं बच्चों, इस टेबल पर एक अमीटर भी रखा हुआ है। इस अमीटर को मैंने इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा है। जानते हो क्यों? क्योंकि अमीटर परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है, इसलिए सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास एक वोल्टमीटर भी है, इसको भी मैंने परिपथ में जोड़ा है। अब देख सकते हैं इसके दोनों सिरों को मैंने इस तार के दोनों सिरों से जोड़ दिया है। कौन से क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि ये वोल्टमीटर इस तार के सिरों के बीच विभव अंतर को नापने का काम करेगा। हम देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास इस टेबल में एक सेल है और दो बैटरियां हैं। ये पहली वाली जो सेल है वो 1.5 वोल्ट की है और यहाँ पर मैंने दो सेलों को जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बैटरी का निर्माण किया है जो कि 3 वोल्ट की बैटरी की तरह कार्य करने वाली है, और साथ में हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी भी है। अब मैं इसको परिपथ में जोड़ूंगी और देखूंगी कि अलग अलग धारा को प्रवाहित करने से विभव अंतर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की रीडिंग को नोट करते जाऊंगी। तो चलो बच्चों प्रयोग शुरू करते हैं और इस 1.5 वोल्ट की बैटरी को सबसे पहले इस परिपथ में लगाते हैं। मैंने इस बैटरी को इस परिपथ में जोड़ा। आप देख सकते हैं बच्चों, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की रीडिंग में, दोनों के कांटों में परिवर्तन आ गया, दोनों में हमको कुछ रीडिंग प्राप्त हो रही है। हम देख सकते हैं बच्चों, एमीटर का मान हमको प्राप्त हुआ है 0.5 एम्पियर और वोल्टमीटर में हमको मान प्राप्त हुआ था 0.45 वोल्ट। यदि मैं V को I से भाग दूं, मतलब 0.45 को 0.5 से भाग दूं, तो इसका मान आएगा 0.9। मतलब V बाई I का अनुपात यदि हम देखें तो 0.9 ओम का आ रहा है। अब हम इसी प्रयोग को इस 3 वोल्ट की बैटरी से करते हैं। इस 3 वोल्ट की बैटरी को यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रयोग में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस बैटरी को परिपथ में जोड़ते ही हम देख सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में हमको रीडिंग प्राप्त हो रही है। एमीटर में हमको 1.45 एम्पियर प्राप्त हो रहा है और वोल्टमीटर में हमको 1.3 वोल्ट रीडिंग प्राप्त हो रही है। हम इन दोनों रीडिंग्स को नोट कर लेते हैं। एमीटर का मान 1.45 एम्पियर है और वोल्टमीटर का मान 1.3 वोल्ट है। यदि मैं V को I से भाग दूं, मतलब 1.3 को 1.45 से भाग दूं, तो आंसर मुझे मिलेगा 0.9। बच्चों, अब इस प्रयोग को हम 9 वोल्ट की बैटरी के साथ दोहराते हैं। हम इस 9 वोल्ट की बैटरी को इस परिपथ में जोड़ेंगे और फिर से अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे। हम 9 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम इस परिपथ में बहने वाली धारा के मान को और बढ़ा सकें। तो चलो बच्चों इसको जोड़कर देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले जोड़ा था। जैसे ही हम इस बैटरी को परिपथ में जोड़ते हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों में हमको कुछ रीडिंग प्राप्त हो रही है। हम ध्यान से देखें तो एमीटर की रीडिंग हमको 1.75 एम्पियर प्राप्त हो रही है और वोल्टमीटर में 1.7 वोल्ट के आसपास प्राप्त हो रही है। तो इसको मैं नोट कर लेती हूँ। हमको एमीटर की रीडिंग मिली थी 1.75 एम्पियर
और वोल्टमीटर की रीडिंग मिली थी 1.7 वोल्ट। यदि मैं फिर से V को I से भाग दूँ, मतलब 1.7 को 1.75 से भाग दूँ, तो मुझे मान मिलेगा 0.9। मतलब ये मान वैसे ही है जैसे कि हमको पहली और दूसरी बार मिला था। पहले हमने V और I के मान को भाग दिया था तो भी हमें 0.9 मिला था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम जब V को I से भाग देते हैं तो हमको एक निश्चित राशि मिलती है। इसलिए बच्चों, यदि हम जब V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ एक सरल रेखा होती है। और पता है बच्चों, यही ओम का नियम है। यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभव अंतर को हम देखें तो वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, जब तक उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो बच्चों, इस एक्टिविटी से हमने देखा कि जब हमने एक सेल लिया तो उसमें कम धारा प्रवाहित हो रही थी, जब दो सेलों को हमने जोड़ दिया तो धारा का मान भी बढ़ गया, जब हमने सेलों के स्थान पर बैटरी ले ली तो धारा का मान और अधिक बढ़ गया। और इसी तरह वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने भी बहुत सारे प्रयोग किए और बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि विभवांतर और धारा का संबंध समानुपाती का होता है। और इसी आधार पर उन्होंने यह संबंध दिया, विभवांतर समानुपाती होती है चालक तार में बहने वाली धारा के। तो V बराबर लिखेंगे R I, जहाँ पर R एक समानुपातिक नियतांक है और इस R को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, इसे हम उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर हो जाता है V अपॉन I। यहाँ से इस प्रतिरोध का मात्रक होगा वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट विभव का मात्रक और एम्पियर धारा का मात्रक। और इस वोल्ट बटे एम्पियर को हम एक नया नाम देते हैं ओम, क्योंकि ये सारा संबंध वैज्ञानिक ओम ने बताया था, तो उनके आधार पर ही प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसको हम इस विशेष प्रकार के चिन्ह से दर्शाते हैं। विभव और धारा के बीच में समानुपाती का संबंध है, तो यदि इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए, हम वाई अक्ष में विभव लेंगे और एक्स अक्ष में धारा का मान लिखेंगे, तो यह ग्राफ एक सरल रेखा बनेगी जिसका एक्स अक्ष के साथ कोई कोण होगा। ये एक्स अक्ष से कुछ न कुछ ढाल बनाती होगी और जब इस ग्राफ के ढाल का मापन किया जाएगा तो यह ढाल इस चालक तार के प्रतिरोध को दर्शाता है। और इस प्रकार ग्राफ से जुड़े हुए आंकिक प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विभवांतर और धारा के बीच में यह जो समानुपाती का संबंध है, इसका मतलब यदि हम विभवांतर को बढ़ा रहे हैं तो धारा के मान में भी वृद्धि होगी, विभवांतर कम होगा तो धारा के मान में भी कमी आ जाएगी। यह संबंध तब तक ही लागू होता है, या यूं कहे ओम का नियम तब तक ही लागू होता है जब तक चालक तार की भौतिक अवस्था, जैसे कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ताप में परिवर्तन ना हो। यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो ओम का नियम भी फेल हो जाता है। इस तरह से ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभव अंतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। और यदि चालक तार की लंबाई या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में या उसके ताप में परिवर्तन कर दिया जाए तो यह संबंध लागू नहीं होता, या फिर यूं कहे कि प्रतिरोध का मान भी चेंज हो जाता है। तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? सबसे पहला चालक तार की लंबाई पर। प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा और छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध का मान निर्भर करता है इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या यूं कहें इसकी चौड़ाई पर। जब हम इस चालक तार को काटते हैं अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, तो जो उसका क्षेत्रफल है वो तार की मोटाई कहलाती है। और इसके क्षेत्रफल पर वो किस प्रकार निर्भर करता है? व्युत्क्रम अनुपाती, यानी कि हम यदि मोटा तार लें तो उसका प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा।
प्रतिरोध का मान निर्भर करता है ताप पर। यदि हम ताप बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी घट जाता है, यानी प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है। यह भी देखा गया है कि अलग अलग तार हम लें तो उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, तांबे का अलग, लोहे का अलग, सोने का अलग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मान वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि दो तांबे की तार हैं, दोनों समान मोटाई के हैं, एक 4 सेंटीमीटर लंबी है और एक 2 सेंटीमीटर लंबी है, दोनों में किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो इस क्वेश्चन में कोई गणना करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर केवल उसकी लंबाई को देखकर ये बता सकते हैं कि किस तार का प्रतिरोध अधिक होगा। जैसा कि प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती है, दोनों ही तार समान पदार्थ के हैं, समान मोटाई के हैं, तो यहाँ पर जो तार 4 सेंटीमीटर की है उसका प्रतिरोध अधिक होगा और जो तार 2 सेंटीमीटर की है उसका प्रतिरोध कम होगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन, दो तांबे की तार है, दोनों समान लंबाई की हैं, या यूं कहें दोनों की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, अब आप बताइए किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है, तो यहाँ पर जिस तार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी कि वो मोटा है, उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिस तार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यानी कि पतला तार, उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों तांबे की तार है, दोनों की लंबाई सेम है, दोनों की मोटाई सेम है, एक 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, अब बताइए दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो जैसा कि प्रतिरोध का मान ताप के समानुपाती है, तो जो तार 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है उसका प्रतिरोध अधिक होगा, जो तार 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है उसका प्रतिरोध कम होगा। अब प्रतिरोध से जुड़े दो समीकरणों को हम एक साथ लिखते हैं। हमने देखा कि R समानुपाती है L के और व्युत्क्रम अनुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के, तो हम लिखेंगे R समानुपाती L अपॉन A। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे R बराबर रो L अपॉन A। ये रो समानुपातिक नियतांक है, इसे हम लोग एक विशेष नाम देते हैं, इसे हम चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये विशिष्ट प्रतिरोध चालक तार की पहचान होती है, आइडेंटिटी। विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई और तार की चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता। अलग अलग तारों के लिए, सोना, तांबा, पीतल, चांदी, इनके लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी अलग अलग होगा। साथ ही ये निर्भर करता है ताप पर। अलग अलग ताप पर एक ही तार के विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी अलग अलग हो सकता है। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपके पास दो तार दोनों तांबे के हैं, दोनों समान मोटाई की तार हैं, एक तार की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, दूसरे तार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों तारों में किसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो जिस तार की लंबाई अधिक है उस तार का प्रतिरोध अधिक होगा और विशिष्ट प्रतिरोध, चूंकि ये दोनों तार समान ताप में हैं, ये दोनों तार एक ही पदार्थ के बने हैं, यानी दोनों तांबे के हैं, इसका मतलब दोनों ही तारों का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं। इस सूत्र अनुसार R बराबर रो L अपॉन A है, तो रो बराबर होगा R A अपॉन L, ये हमने त्रियक गुणन कर दिया। अब
प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। यहाँ से एक एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम मीटर। अब प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, पर ये विशिष्ट प्रतिरोध आखिर होता क्या है? तो इसी सूत्र में यदि मैं A बराबर एक लिखूं और L बराबर भी एक लिखूं, तो यहाँ से हो जाएगा रो बराबर R, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान उस प्रतिरोध के बराबर ही होगा जब तार की लंबाई भी एक हो और उसका क्षेत्रफल भी एक हो। यानी कि एक ऐसा तार ले रहे हैं जिसकी लंबाई भी इकाई हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी इकाई हो, तो इकाई आयतन के किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर ही होता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है, क्योंकि स्पष्ट है जिस तार में प्रतिरोध अधिक होगा उसकी चालकता कम होगी, वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। जिसका प्रतिरोध कम होगा वो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करेगा। तो प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या यूं कह सकते हैं हम, यदि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम लिया जाए तो वो किसी भी पदार्थ की चालकता को बताता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध से जुड़े हुए कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करते हैं। उदाहरण एक, यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगुना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? हल, दिया गया है तार का प्रतिरोध 8 ओम, और हम जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता गुणित तार की लंबाई बटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि प्रतिरोध को हम लेते हैं R से, प्रतिरोधकता ओ रो गुणित तार की लंबाई यदि हम L से बताएं और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ले, तो R बराबर रो गुणित L बाई A, इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार एक नवीन स्थिति पर बात कही गई है कि यदि तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया जाए कि उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है दुगुना हो जाए, यानी कि A से उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का 2A। चलिए आगे देखते हैं। अब इस नवीन स्थिति में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। दुगने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की स्थिति में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। यदि नवीन स्थिति के लिए प्रतिरोध को हम R डैश से दिखाएं, R डैश हो, तब
नवीन स्थिति के लिए प्रतिरोध को आर डैश ले लें, तब आर डैश बराबर होगा प्रतिरोधकता यानी कि रो, वो समान होगा क्योंकि तार सेम है, गुणित यदि हम नवीन स्थिति में तार की लंबाई को L1 से दिखाएं और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्योंकि दुगुना है इसलिए हम लेंगे इसे 2A। L लंबाई के तार को पिघलाकर एक ऐसा तार बनाया गया है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना है, तो अब नवीन स्थिति में तार की लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि जो तार का आयतन है वो तो समान होगा क्योंकि तार समान है, उसी को पिघलाकर नवीन तार बनाया गया है। तो तार का आयतन जो है वो पूर्व स्थिति में कितना था, पूर्व स्थिति में जो आयतन V बराबर क्या होगा, पूर्व स्थिति में तार की लंबाई गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब यदि हम इसे नवीन स्थिति में देखें आयतन तो वही रहेगा V बराबर, नवीन स्थिति में तार की लंबाई को हम शो कर रहे हैं L1 से, गुणित अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना हो चुका है तो हम इसे लेंगे 2A। चूंकि दोनों ही स्थिति में आयतन समान है इसलिए हम लिख सकते हैं L1 गुणित 2A बराबर L गुणित A। इसे हल करने पर हमें मिलेगा L1 बराबर L बटे 2, यानी कि जो नवीन लंबाई होगी तार की वो पूर्व लंबाई की आधी हो जाएगी। अब इसका मान हम इस समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, नवीन स्थिति में प्रतिरोध यानी कि R डैश बराबर रो गुणित L1 का मान हमें मिला है L/2 और पूरे के बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना है इसलिए 2A। इसे और हल करें तो हमें मिलेगा L/2 × 2 × A। इसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा 1/4 गुणित रो गुणित L/A। हम देख सकते हैं समीकरण 1 से रो गुणित L/A क्या है, R का मान है, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 1/4 गुणित R। तो नवीन प्रतिरोध जो हुआ वो पूर्व स्थिति में प्रतिरोध का 1/4 है और हमारे पास प्रतिरोध जो है वो दिया गया है कि R बराबर 8 ओम। तो हम ये भी मान यहाँ पर रख दें तो R डैश कितना हो जाएगा 1/4 गुणित 8, यानी कि 8/4 हमें कितना मिला, R डैश का मान हो गया 2 ओम। यानी कि नवीन परिस्थिति में तार का जो प्रतिरोध है वो कितना मिलेगा, 2 ओम।